अभी फोन रखा था, मौका मिली तो फोन कर। लागत आ बड़ खास फोन रहे चाची। वो हमार सहेली ई उमर ही दोस्त बनावे के होता। जब हम कॉलेज में रहनी तब बड़ दोस्त रहना। उमे से नताशा हमार सबसे अच्छी सहेली रहनी। अच्छे दोस्त जिंदगी में हो बहुत जरूरी हो, है ना? हाँ चाची। मेघा, मेघा मन बड़ चंचल होला और चंचल मन कब बहक जाला पता ही नहीं चलत, है ना चाची? हाँ मेघा, अब तू ही देखा ये चंचल मन के परिणाम। घर माँ इतना लोग के होतन भी तोहरा के अपन दोस्त की याद आ रहल बा। चाची वो तो हम कॉलेज की पढ़ाई के बारे में पूछत रहली। हम कहाँ कुछ पूछता नहीं, तोहके देखे हमके भी कॉलेज की याद आ गई रहनी और साथ ही साथ माई बाबूजी के बाद भी। बाबूजी हमेशा कहत रहलन कि हमार स्वतंत्रता के नाजायज फायदा उठाइबू तो हमार नजर से गिर जाइबू। देखा ना, तू ही घर की सबसे लाडली बिटिया रहलू। तो हार बाद हम ही घर में आईनी, हमके भी घर माँ बेटी जैसे प्यार मिलन। बड़के भैया, मंझले भैया और तुहार चाचा, इनके भी समाज में आपन मान मर्यादा हुआ। इस चार गो गांव में एक खानदान के नाम बड़े इज्जत से लिहल जाला। बड़के भैया तो स्वाभिमानी हा और मंझले भैया गुस्सा वाले। बात बात में गोली बंदूक और तुहार छुटके चाचा तो कभी गुस्सा ना हो, और जब होते हैं तो संभालना मुश्किल। चाची आपकी गोल गोल बात हमारी समझ में नहीं खियावत। मेघा समझने से क्या फायदा, बातन पर अमल किया जाता था। हम चलता नहीं। चाची हम समझ गए ले। हेलो, हम यशोदा। हाँ हाँ पहचान ले ली, बोला का बात बा? बुरा ना मानी तो एक बात कही। का भेल? हाँ कबहू कबहू हमरा के बड़ डर लागा था, सोच सोच के मन बेचैन हो जाता। अरे यशोदा चिंता काहे करत हो, अम्मा के मन ऐसन भाव भगवान इतना निर्दयी नहीं के हो। तू चिंता जिन करा, तुहार कोख से हमार बंस जरूर चली और अम्मा की उम्मीद जरूर पूरा हुई। ख्याल तो अम्मा 24 घंटे रखत है। हमरा के लागत था कि अम्मा की इच्छा हमार वजह से अधूरी न रह जाए। होता खातिर उनकर विश्वास, दुआ ताबीज, पूजा पाठ, अगर कुछ गलत हो गई तो। यशोदा बच्चन जैसे बात जिन कर, हम जल्दी आ जाए और इतना चिंता करवा ना तो बच्चा के स्वास्थ्य पे असर पड़ी। सुना भगवान जौन करी सब अच्छा करी, ठीक है? अच्छा सुना मेघा के हरबानी? मेघा कॉलेज गई बाड़े, कुछ कहे के है का? अपन ख्याल रखिए, समझ लो। ठीक बा, ठीक बा, चला।
अरे बहुत बढ़िया भाई, हमारी परीक्षा के इतना टेंशन बा, कहाँ पढ़ी समझ में नहीं आवता है। मतलब दसवीं के जो परीक्षा रहे। अरे रामचंद्र भैया। हाँ कृष्णा। अरे छुपा क्या बोल रहे भैया, वाह। अरे का जो बता रहे भैया। जीते रहा। आप रामशरण यादव बा, ये हमारे बड़ भाई निहन बरन, पढ़ाई के जितना खर्चा होला सभी देता। चिंता ना करा, शादी के आशीर्वाद भी हमें दे। अच्छा भैया आ गया, चलिए। हाँ चल, जीता रहा, चलिए जाते। चंदनपुर मंगनौथा के किसानों का कारनामा देख ले लिया आप? अब तू समाज सुधार करबा तो हो गेल जिम्मेदारी। यही जगह किसानन के उल्टा बांध के मारा रख ली, कौनो ससुर चूचा पड़ना कह लो। और आज का दिन बा, अरे छोटा लोग बाड़ा तो हर बड़प्पन न समझियो, भूखा मरत रहला, तरस खा के दया करके तो के अपने यहां मुंशी रख ली। और तू अभी बतावा कि किसानन का मालगुजारी का रसीद दे दे रहा। आपके दस्तखत ना रहे तो ना दे ली। धन्य भगवान। हाँ भगवान, बहुत बढ़िया कहला। अब एक काम करो, इस सब रसीद के चिराग अली के दे द, बुझला। और जो पैसा आइल बा ओकरा से बीज खाद का कर्जा वसूली दे दा, बुझला। लेकिन मालिक उत्तर, हे अन्नदाता, हे कृपा निधान, आप नौकर बानी, सेवा धन विचार करी और जैसे बोला तानी वैसे कागज पत्र तैयार करी। हमें आपके उम्र का लिहाज बाटे। अब भाई तोके इस संसार में बहुत दिन जिए के बाद मूर्खता मत करा, और जैसे कहता नहीं वो चक्कर आ, बुझला। का हो रणवीर, यशोदा से बात कैला के बाद तू इतना चिंतित काहे बारा? सब ठीक बानो? यशोदा बहुत दबाव महसूस करता है। सबे ओकरा से बेटा बेटा के रट लगैले बानी, खासकर अम्मा। अम्मा तो अपन आवाय पोता के इतना खुश बानी। भैया हमारा के डर लगा था। एक बात बताओ भैया, कोनो इंसान के बस में बा कि बेटा हुई कि बेटी हुई? हमका लगता है कि अम्मा खुशी के में अपन नियंत्रण खो देंगी। औरत लोग आपन खुशी या दुख छुपा ना सकेलन, ओकरा पर उनकर नियंत्रण ना रहेला। ये औरत के गुण बा रणवीर, ये औरत के गुण बा। अम्मा के पोता मिल जाए ना तो वो पागल ना होइहन, वो हमनी के पागल बना दीहन। तोरा के यही बात के न डर बा कि हमरा के फिर से बेटी हो जाई? तू डरा मत, बेटी होई तो सब हम संभाल ले। आ अम्मा भी कुछ दिन खातिर दुखी रहियन, फिर ओहू मान जइहन। अरे ओहू तो एगो औरते न बारन। गांव समाज में जब घर में बेटी पैदा लेवेली तो लोग के मुंह मलिन हो जाला, ये गांव के दस्तूर बा। बाकी अम्मा कुछ दिन बाद मान जइहन। अरे वंश चलावे खातिर उनका के एगो पोता चाहिए, एगो पोता। ओकरा बाद ई हवेली में चाहे 100 बेटी पैदा ले, उनकर मुंह कभू ना मलिन होई। एगो राज के बात कही रणवीर? का भैया? जब तू अम्मा के पेट में रहला ना तो अम्मा सोचत रहली कि घर में बेटी आई, ए खातिर कि भैया दूज करी हमरा खातिर, प्रताप के खातिर, काहे कि वो घड़ी रक्षाबंधन के प्रचलन ना रहे। अब बेटी आई तो हमरा खातिर, प्रताप खातिर दीपावली में कुलिया चुकिया भरी। का गादा? हर रणवीर अतने ना, कईक साल तक तो तोरा के अम्मा हराम पहना करके घुमावत रहली। सच्ची भैया? कहाँ गादा?
अब तू इस बात छोड़ दे भाई, जौन मतलब से यहाँ आयल बार उ काम पे ध्यान रख, बस हम यही चाहता है। यशोदा बड़ा घबरायल बनी भैया। तो तू हमरा के फोन दा, हम उकरा के समझावत हैं। लगाओ। हेलो। हाँ यशोदा। हाँ बलदेव भैया बात करिए। जी। ला। यशोदा। प्रणाम भैया। हाँ बेटा खुश रहा। अरे आज ठाकुर रणवीर सिंह के मौका बा आपन पहचान बनावे खातिर। हाँ ये बात हमरो के समझ में आवत बा कि आज रणवीर के तोहरा साथे रहे के चाहत रहल, बाकी वो मौका ना देवत हवन। रणवीर के तोहरा मनोबल के जरूरत बा। तू रणवीर के संतान के उपहार देवे जात बारू, आ रणवीर भी बिजनेस के आगे बढ़ा के तोहरा के गौरवान्वित करे जात बारन। देखा यशोदा, इस समय घबराए के ना, शांत रहे के बा, साथ निभावे के बा। अब हम इकरा से बेसी का कही बेटी, बस हफ्ता 10 दिन के तो बात बा। जी भैया। तू चिंता ना कर बेटा, अरे हम सब तो तोहरे साथ बानी। अगर तू चिंता करबू तो रणवीर के काम में बाधा आ जाई। जी। लो अब तू ही रणवीर के समझावा, ना तो रणवीरो घबरा जाइहन। जी भैया। लो रणवीर यशोदा से बात कर। हाँ यशोदा। देखा तू चिंता ना करिए, तुहार हिम्मत हमरे खातिर बहुत मायने रखत बा। जी। इस समय हम दूर बाई, हम जानी थी हमरा का तोहरा पास रहे चाहता, जल्दी आ जाए। फिकर ना करिए। ठीक बा। जी। आप भी अपन ख्याल रखी। रखा। प्रणाम। हे भगवान, कैसे समझाई अपन मन का, कहा कही के बहलाई। बस हमार यही प्रार्थना बा कि अम्मा लोगन के खुशी लड़का होले पे बा, उनकी खुशी पूरी हो जाए। बुच्चा भगत बढ़लगंज में भूत पिशाच से लोगन के आपन बस में करेला। अच्छा मुंशी जी, वहां हम देख ली कि बुच्चा भगत आपन प्रेत से मुंबई का बड़ा पाव, तरकारी, मिठाई, उसल पाव, मिसल पाव, मारे का चर पचर अलग पलवा मंगाइल हिस और लोगन के बाढ़। हाँ ई है कमाल बुच्चा भगत के, जानत हो ना। अम्मा तो अम्मा, हुआ हम देख लिस काले से एक लड़का आयल रहा और ससुरा 1000 रुपया भगत जी के गोड़वा में धर दिस और भगत जी उनकर के मंत्रियो दे दिस। लड़की के नजीक जाकर उकरे आंख में आंख डालकर उकरा के पटा ले, मतलब समझ ले जरा मुहावला अखियों में ऐसा डाला। आम से कौनो काम नहीं खे जो इस दुनिया में बुच्चा भगत ना कर सके। जादू टोना, भूत पिशाच, वसीकरण, सब सब काम करे। तो तू काहे ना मांग लेला अपन खातिर कजरा मोहब्बत वाला। मुंशी जी, हमरे लगे 1000-2000 रुपया कहाँ बा, हम ठहरा गरीब आदमी। तू मंत्राइल काजल के बदले में बदमिया के दिल जीते के कोशिश करा। अम्मा अभी खुशबानी, बहुत खुशबानी पोता की खातिर। तू मांगब तो अम्मा तहार ब्याह करा दिए हैं। अब बदमिया से का, अगर मैयो से कराइए। तो मैया से करे हम का करे, हम तो बदमिया चाहिए। तुहारा ब्याह बदमिया से हो जाए, तू अम्मा के कह दे। पक्का? पक्का हो जाए। हो जाए। जमुना, हम तुहार बेटा के समाज के सामने तक अकेले में भी अपन ना कर सके। एक और कर्ण के जन्म दे के हम अपने घर में महाभारत मचावे से डरत हैं। काहे कि ये हवेली के हवेली बनाए रखे में ठाकुर प्रताप सिंह हो गए। ये बात तू जाना तड़ू, हम तो हर कोख से बच्चा गिरा के पाप कह ली हाँ कि पुण्य, ये तो भगवानों विचार ना कर सके लो।
लेकिन तू अपन बच्चा गिरा के इस सृष्टि के नाश होके से बचेलू हो और इस धरती पर एक और महाभारत होके से रुकलू हो। लोग बुढ़ापा में सहारा खातिर संतान ले लो, जे सेवा करे, अंतिम संस्कार करे, लेकिन हमार मानना बा कि धन संपत्ति से भी सेवा करे वाला मिल जालो। जमुना, हम तोहके इतना संपत्ति दे देले बाड़ी कि तू बिना मुकुट के रानी बाड़ू। यही से तू हमके अब ताना देवे बंद करो कि हम तोहर बेटा के तोरे कोख में मार देली हो, कहे कि हम तोहर जो गर्भ गृहली हो ओकर हमके कोनो अफसोस नहीं है, कोनो अफसोस नहीं है। कृष्ण कन्हैया, तू अंतर्यामी बारा, सुख दुख के मालिक बारा, रक्षा करे वाला तू है बारा। हे भगवान, हमार पोता के रक्षा करा, तुहार अंश उबा। हे भगवान, हमसे कोई गलती हो गए तो हमरा माफ कर दे भगवान, हमरा पोता के जिंदगी दे, हमरा पोता के सजा मत दे, सजा हमरा के दे दा। हे भगवान, आनर लांगर जोन पोता देवा, हम ओकरा मुकुट पहना करके रखब। हम तोहर आभारी राम भगवान, हमरा और सामने झोली फैला के भीख मांगतानी, और ई झोली में हमरा पोता के जिंदगी दे दी भगवान, हमरा ई झोली में पोता के जिंदगी दे दी दीदी भगवान, दीदी अपन भक्तन की आवाज सुन ली भगवान। हेलो हेलो, अरे के बोला था? प्रणाम प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम, तू काहे ना फोन उठावत रहला हो? हम यहाँ अकेले हैं। सब लोग कहाँ बा? कुल लोग अस्पताल गए बाड़े। अस्पताल? और छोटकी मालकिन के चक्कर आगल रहल। मालिक, आप लोग कब आ रहल बानी? हम अभी 7-8 दिन में आए, हमार काम नहीं खे भाई। आप प्रताप आई है तो उनका के कह दिया कि हमरा के फोन कर लेस। जी मालिक। हाँ। बधाई हो, लड़की हुई। ठीक है, कहता डू। क्या बोला था उन्हें लाल? जी मुझे मालिक,
अरे माँ के बोल दे भगवान। अड़की अम्मा का बात है बदमिया, अचले मालिक के फोन अले रहन, उन्ने लाल बतौले रहन, बोला का बतैले लाल, उन्ने लाल हमसे कह रहे लहन का बतैले रहन कि जाके भड़की अम्मा के कह दे कि फिर से एक बार ये हवेली में का हवेली में फिर से का कैसे कहीं अम्मा हमार हिम्मत नहीं के बढ़त का मेरे मियां बोलना का भाई फिर से एक बार ये हवेली में बिटिया पहले बनी पुराइन, हमार बात ध्यान से सुना। ये हवेली के चारों तरफ मुआयना करके हम देखनी है। एगो चीज हमारा नजर आई है। ये हवेली में कोनो लड़की के ध्यान से सुन ल ठकुराइन, तहरा तो एगो नवजात लड़की के बलि देवे के पड़ी, लड़की के बलि देवे के पड़ी। अरे पुण्यलाल,
प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम, का बात बा? मझले मालिक का फोन आवा रहल। अब के फिर लक्ष्मी के आगमन भइल बा। का लक्ष्मी भइल बिया? फिर बिटिया के बाप बने। प्रीमैच्योर डिलीवरी, ऊपर से बिटिया। हे शंकर भगवान, हमके एक पोता दे दी जे हमरे खानदान के एक बारिश हो। कौन सी सन पाप कैली भगवान, कौन सी सन पाप कैली कि रुआ हमरा पोता के मुंह नहीं खे देखावत आने। और जाना था अम्मा का कहा था नहीं कि ऊ टाउनशिप के नाम पोता के नाम पे रखल जाए। बेटवा के नाम सचलू है कि ना? रणवीर, बेटा बेटी में फर्क ना करेला। अगर फर्क करी ये दुर्भाग्य ना होई। यशोदा अस्पताल में बारी, अब कुशल बारी। अरे अम्मा के विश्वास जमावे में कोनो बात नहीं की। तू चिंता मत कर भाई, हम तोहरे साथ वानी। रणवीर, हम तुहार ससुराल में खबर दे देव तनी। हेलो बाबूजी, प्रणाम। हम बलदेव ठाकुर बोलत बानी। हाँ बलदेव बाबू, प्रणाम। रउआ नाना बनगल बानी। घर में लक्ष्मी आइल बिया। नतनी रउआ के आइल बिया। हम रणवीर के साथे लखनऊए में बानी, छठिहारी तक हमनी के पहुंच जाए। अच्छा। हाँ बाबूजी, बेटी लक्ष्मी होली बाबूजी, लक्ष्मी। ठाकुर प्रताप सिंह गैल रहला रोजा बक्सवावे, नमाज गला पड़ गैल। एही से विश्वास होला भगवान बा। आप हमरा माँ ना बनने देहली, आपका उम्मीद रहे यशोदा का बेटा होखी, और ई उम्मीद पर आप हमार कोख उजाड़ देहली। पहले आप जब भी हमार पेट साफ करेनी हम कुछ ना कहनी, पर ई बार आखरी आशा रही हमार माई बनने के। डॉक्टर कहले रहे तोहरा और मौका ना मिली जमुना, यही कारण हम आपसे आंखों से गंगा जमुना बहा के दया के भीख मांगती रहली। आखिर आप हमार प्रार्थना ना सुन ले। ई ना सोचब हम कौनो श्राप देता नहीं, हम ई बात सपने में भी ना सोच सकीला, पर कई बार समय न्याय कर देला। प्रताप बाबू, हम माँ ना बन सकब, ई हमार अभाग बा। आप ठाकुर खानदान में फिर से एक बेटी के जन्म के कारण शोक मना रहिले बानी, तो हम ई बात बता देत बानी कि डॉक्टर कहले रहिले कि हमार पेट में आपके बेटा रहे, जेकरा आप ही धरती पर आवे न देली। यशोदा, सोंठ खाइला? अरे बच्चा भइला के बाद में सोंठ खाइल जाला, इससे शरीर बिल्कुल ठीक हो जाला। समय समय पे सोंठ खाई के चाहिए। हैला सोंठ खा। काहे
सोट खा। अरे यशोदा काहे नहीं के खाता रू, खा ला। खा ले बम्मा। यशोदा तू एगो बात बतावा, तोरा दोगो बेटी पैदा करा से मन नहीं के भरल रहेगा? तीसरो बेटी पैदा कर लेला? रणवीर के तो एक पैसा के कमाई नहीं है। एक तीन तीन गो बेटी के कहां से बियाह करी? तोरा ने सोचे के चाहत रहे, लेकिन तू काहे खातिर सोचबू? खा, काहे नहीं के खातर? हाँ हाँ खा ला, चौथो बेटी पैदा करे के बानो तोरा। इतना तपस्या, पूजा, पाठ, तंत्र मंत्र सब कर ली, लेकिन बेटा पैदा नहीं खे भाई। इतना कैला के बाद तो भगवान मिल जैतन रहे। बाकी पोता ना, तांत्रिक मांत्रिक सब बतैलस कि पोता होई। हम यही डर से हवेली बनवा ले ली, तो हार शरीर बनवाई ली। बाकी ना, जे डर बनल रहे वह डर लागल रह गई। माँ ये हमार बस में तो ना बा, हमार बस में रहती तो हम आपके पोता की लालसा कब की पूरा कर देले रहते। ना ना, तो हार बस में कुछो नहीं खे, अब जे भी बा हमरा बस में बा, हमरा बस में। अम्मा पूरा ना मानी तो एक बात कह। हाँ हाँ बिल्कुल ना मानब। कहा का कहे के बा, तनिको बुरा ना लगी, कह दे जे कहे के बा से। शास्त्रों में लिखल बा कन्यादानम महादानम, कोटी ब्राह्मण सेवा सम फलदायकम। एक लड़की के दान से 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन करावे के फल मिलेगा। सारी दुनिया के हम जिम्मा ले लेवानी, हमरा बस अब अपना खानदान के खातिर सोचे के बा। चार चार गो बेटी दान करे के खातिर कम बाका कि दुनिया के दान हम करत चलम? अब हमका अपना वंश के बारे में सोचे के बा। ओझा जी से हमार बात हो गई बा, तोरा चिंता करे के कोनो बात नहीं खे। अरु हम तैयारी कर ले लेवानी महापूजा करके। पुन्नेलाल जी 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 अम्मा। ठाकुर प्रताप सिंह कहाँ बारन, बुला के ले आबा। जी अम्मा। जमुना हम शेरवानी आपन बेटा का जिंदगी कुकुर का जिंदगी ना दे सकीला, यही खातिर हम के पैदा ना कर लिया। तू का कहत रहलू हा कि हम गए लली हा रोजा बक्सवावे नमाज गले पड़ गई? तू बहुत सोध बाड़ू। ये हमार मजबूरी है कि हम अपन परेशानी के अपने आप से बिना कह सकेगा। बहुत थक गल बानी, गहरी नींद में सुतल चाहता नहीं। कितना सुंदर बिटिया बानी, लगातार गोदी में लेके दिन भर खिलाई। हाँ बदमिया, इता हमरा के भी लगता, पर भगवाना को तो कुछ और ही मंजूर है। छोटकी मलकिन, ही तो अम्मा जी के स्वभाव बा, लेकिन उनके मन में कोनो काला नहीं के। पता हाँ, पर मन का कैसे समझाई, का बताई कि लड़की पैदा होने के कारण उनके लड़का में भी हो सका था। छोटके मालिक में का कमी हो सकेला? कुछ हो ना, छोड़ा ये सब डॉक्टरी बात है, तुहार समझ में ना आई। हम तो बस इतना समझेली
कि जोने कोख से लड़का पैदा होला वही कोख से बिटिया भी जन्म मिली। अब सच केहू माने तब ना, सबसे बड़ सच्चाई तो ई है कि बिटिया जन्म लेने के बाद हमार दुर्गति शुरू हो गई। ना छुटकी मलकिन, ऐसा ना कहे के चाहिए। बिटिया तो कितना भाग लेके आईले बानी, काली काली आंखें, गोल गोल चेहरा, घुंघराले घुंघराले बाल, ऐसा लगा था जैसे साक्षात दुर्गा मैया आईले बानी। छुटकी मलकिन, एक बात कही, अगर बिटिया के नाम दुर्गा रखल जाए तो? का हुई? तो ई दुर्गा आपके दुर्गति के दूर कर दे। बात बात में हम तो भुला गए ले बानी कि हमरा के बहुत काम पड़ल बा, हम जाता नहीं। अम्मा, तो छोटकी मलकाइन के तिसर की बेटी जन्मला से एकदम एक पगला गईले बानी। हमरा के तो आसार ठीक नहीं खिलागत कि ठकुराई नम्मा महापूजा के बाद करत रहली। लेकिन महापूजा मतलब बलि? हे भगवान, का हो रहल बा? अब हम का करी? केकरा से कही? बड़का मालिक और छोटका मालिक भी घरे नहीं खे पाड़े, केकरा से कही? केकर मदद ली? वहीं के कुछ करे का पड़ी। हे भगवान, हमरा के कुछ नहीं बुझा, का करी हम? जमुना बुच्चा भगत, हमार धर्म भाई बा। हमरी मदद जमुना ही कर सकता। हमार बाप बहुत बड़ा तांत्रिक रहेलन, महापूजा के जमुना ही रोक सकेली। बुच्चा भगत हमार बाप का चेला बाटे। जमुना कावेल प्रताप। अम्मा, बुच्चा भगत और हरिया महापूजा की जगह पहुंच गए बाण। शंकरवा के भेज के बोलवा दे ली हां कि काम शुरू करें। रउआ आज्ञा दी। का खुशी देखकर तो हमको बहुत ही डर लग रहा है। जो इस बार भी तुम्हारी बेटी हो गई ना, हम अपन ससुराल वालों से कुछ नहीं कहे। वो तो मनी में लड्डू खा रहे हैं कि बेटा होगा पोता होगा। जो इस बार भी लड़की हुई तो दुर्गंजन और बढ़ेगा। हमरा तो भागी खराब है। दुल्हन, हम तो तीन तीन गो पोती देख के डरिए गेल रही समधीने जी। बाकी अब की बार भगवान के कृपा से हमरा पोता हुई, हम खिलाए पोता के कुल दीपक। समझ ली समधीने जी? समझ गई समधीने जी।
बच्चा ये गलत है, गलत है। बिटिया के बलि दे जात रहा। दुर्गा धरेले रही कातिल तू हमार दुर्गति दूर करबू, पर ई पता ना रहल कि हमार दुख के खातिर तोरा अपन जिंदगी दाव पे लगावे के पड़ी। बाहर जियत ऐसा कबहू ना होए। कितना महीना तोहरा के हम ई कोख में पलनी हा, आगे भी तोहार अच्छा करब ई हमार फर्ज बा। तोहरा जिंदगी बचाए के खातिर हमका अपन जिंदगी दाव पे लगावे के पड़ी, तम पीछे ना रह। मुसीबत आ गई बा, यह वेली के चुपा चाली पापा जी। के खातिर बलि तक के बात सोच के लड़की जात के एकरा से बड़ा अपमान दूसर का हो सकत? लड़का ही वंश परंपरा के आगे बढ़ सकत हो? जहाँ ऐसन ख्याल रखे वाले लोग बाड़न, वहाँ लड़की के सिवाय दर्द के अपनापन कैसे मिली? जे घर मां तंत्र मंत्र पूजा यज्ञ से
पुत्र प्राप्त करे के विचारधारा बन रहल बा, उ घर मां हमार भी बड़ी चढ़ावल जा सकत है। जौन घर मां शंकर जैसन वफादार नौकर मालिक के खाते नन्ही से जान के उठाई के मौत के मुंह में दे सकत हो, उ नौकर मालिक के एक इशारा पर हमनी के और हमार बेटियन के कभो भी मौत के घाट उतार सकत हो। बड़ा दिल है छुटकी मलकिन आपके, आपकी हिम्मत के तो का कही, मौत के मुंह से खींच लेनी हमरी दुर्गा के। जब घरे में यमराज डेरा डाल देले, कितना दिन बचाई बदबिया। तो सोचता नहीं कि ना छुटकी मलकिन, हम्मा बहुत गुस्सा में बानी, रास्ता में हमके अनदेखा करके मंदिर वाले कमरा में चल गई लेन, और दरवाजा तो इतना जोर से बंद कर लीन कि हमार करेजा तो धक से हो गए ले। छुटकी मलकिन, हमरा तो डर लगा था कि अम्मा को फिर से कुछ गड़बड़ ना करे। कुछ गड़बड़ नहीं बदमिया, जो हो गई ओके पर्दा डाले के खातिर कुछ तो करे के पड़ी। जान के बलि चढ़ावे इतना आसान नहीं थे, तांत्रिक के कहला पर एक नन्ही सी जान के ना बड़ कदम उठाला, खेल नहीं खेल। कानून और समाज की नजर में बहुत बड़ा अपराध है, लेकर सजा अगर कानून दे तो घर संसार बिक जाला, और अगर जनता दे तो मारत मारत तन के कपड़ा उतार ले और सर के बाल तक खार दे। पता नहीं अम्मा के पोता के लालन इतना अंधा कैसे कर देले, नन्ही सी जान के अपन स्वार्थ खातिर बलि की भेदी तक पहुंचा देले। बदमिया, एक घर में आए हमका 10 साल हो गई, अम्मा ऐसा कहले हमके मालूम न रहे, पोता खातिर हमार बेटी के बलि चढ़ावे चल देले। अम्मा जी का करें, तांत्रिक को ओझा के चक्कर में कौनो भी मनुष्य पड़ जाला तो ओकरे चक्कर में फंस जाला, और जेकर रक्षा स्वयं माँ दुर्गा कर ले बानी, ओकरा के कुछु ना होई। कितना दिन बदबिया, कितना दिन माई दुर्गा हमार बच्ची की रक्षा करे। एक ना एक दिन तो शैतान के होला, और हम ना चाहेली कि वो दिन हमार बच्चियों के जीवन में आए। हमार पीठ पीछे कोई इतना प्यार देलस और कोई इतना दुश्मनी निभालस, हम अभागन के पता ही ना चलस। बदमिया, तू जा। अरे तो फिर आ गई ले, वो दिन का थप्पड़वा भुला गई ले है का? ठाकुर प्रताप सिंह का अरेस्ट कर बे। ठाकुर प्रताप सिंह बुच्चा भगत सरकारी कावा बन गल बा, पुलिस तोरे खातिर नहीं आई, ठाकुरवाइन राजेश्वरी देवी को गिरफ्तार करे आई बा। धारा 307 और 384 के तहत हत्यारी राक्षसी देवी का गिरफ्तार करा, राक्षसी राजेश्वरी देवी का फांसी दा। ये बतावा हम अंदर जाए कि वो बाहर ही है। मुर्दाबाद ऑफिसर, आप राजेश्वरी देवी को अरेस्ट नहीं कर सकते।